वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। दोस्तों दक्षता अभ्यास वन है। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। वन, टू अपॉन थ्री ब्रैकेट ऑफ एडिशन एन के प्लस, फोर अपॉन फाइव सब्ट्रैक्शन फोर अपॉन सेवन। निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इनको सरल करने के बाद परिमेय संख्या में जो मिलेगी वो प्राप्त करनी है। सो चलते हैं दोस्तों, माइनस टू अपॉन थ्री ये हो जाएगा, जब प्लस हो तो अंतर के चिन्ह नहीं बदलते, फोर अपॉन फाइव माइनस फोर अपॉन सेवन। इनका हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों, इनके एलसीएम क्या आ सकता है दोस्तों, देख लो जिस पर डायरेक्ट नहीं आता तो सेवन होता है, इस तक मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सेवन जो सेवन, सेवन फाइव जो थर्टी फाइव, थर्टी फाइव से दोनों कट रहे हैं लेकिन थर्टी फाइव थ्री से नहीं कटता, ठीक है दोस्तों, किससे थ्री से नहीं कटता। और सेवन सिक्स या फोर्टी टू, फोर्टी टू नहीं कटेगा क्योंकि इससे कट जाएगा तो फाइव से नहीं कटेगा। तो इस टाइप से हम एक ट्रिक और लेते हैं, थ्री फाइव और सेवन, देखो एलसीएम कैसे निकलता है। तो हम डायरेक्ट थ्री से काटेंगे, यानी कि कहने का मतलब यह है दोनों तीनों जो है अभाज्य संख्या है, इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी इनका मल्टीप्लाई फुल होगा वो इसका एलसीएम होगा। थ्री फाइव जो फिफ्टीन, फिफ्टीन सेवन जो वन हंड्रेड फाइव, यानी कि ये संख्या वन हंड्रेड फाइव है जो इनका एलसीएम है। ये संख्या सिर्फ यही है जो इन तीनों संख्याओं से कट सकती है दोस्तों। अब चल लेते हैं दोस्तों, इनका एलसीएम होगा वन हंड्रेड फाइव। अब थ्री की जब इसमें कटेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, थ्री थ्री जा नाइन और थ्री फाइव जो फिफ्टीन, थ्री थ्री जो नाइन, थ्री फाइव जो फिफ्टीन, यानी कि थर्टी फाइव आया भाई, थर्टी फाइव जो सेवेंटी सब डायरेक्शन। अब इससे चलेंगे हम दोस्तों, ठीक है, नहीं तो ट्वेंटी वन आया कितने दोस्तों, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन की जब उसमें चलाएंगे सब डायरेक्शन एट्टी फोर हो गया। अब चलते हैं मल्टीप्लाई करके, अब इसकी जब इसमें चलाएंगे हम उनमें आप सेवन वन जा सेवन वजह कितने दोस्तों, थ्री सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, यानी कि फिफ्टीन आया, और फिफ्टीन की जब उसमें लाएंगे तो माइनस सिक्सटी आया। तो चल लेते हैं, जीरो की जीरो जीरो, फोर का फोर, सिक्स रेट फोर्टीन, फोर्टीन और सेवन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन का ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन आ गए ऐसे अपॉन वन हंड्रेड फाइव। अब इन हम कैसे काट सकते हैं दोस्तों, ये नहीं कटेंगे, सेवन वन जो सेवन थ्री जो नहीं कटेंगे, तो ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। अब हमको ये देखना है परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या क्योंकि क्यू का मान जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट चल लेते हैं हम क्वेश्चन दोस्तों, इसको सेकंड, टू अपॉन थ्री एडिशन वन अपॉन फोर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन टू। जब हम इसे ओपन करेंगे टू अपॉन थ्री हो गया, सबट्रैक्ट ऊपर चला जाएगा, एडिशन वन अपॉन फोर, जब इसको खोल लेंगे बाद में करेंगे, इनके एलसीएम लेंगे तो ट्वेल्व हो गया दोस्तों, थ्री फोर जो ट्वेल्व फोर आया, फोर के ऊपर चलाएंगे एट आया, फोर थ्री जो ट्वेल्व थ्री आया, थ्री वन जा थ्री आया। एक बार चलते हैं दोस्तों, डिवीजन टू, जब इसे हम चलेंगे एट में से थ्री जाकर फाइव बचा और अपॉन ट्वेल्व, अब डिवीजन खोलेंगे जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो वन होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों, वन अपॉन टू हो जाएगा, डायरेक्ट में कर सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं होता वन होता है, जब इसे खोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, फाइव बन जा फाइव और अपॉन ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये हमारी परिमेय संख्या है। ये जो सेकंड क्वेश्चन इनके दे रखे हैं सेम ऐसे होंगे दोस्तों, इनको आप कर सकते हैं आसानी से। हम इसका फोर्थ लेते हैं, फाइव अपॉन नाइन वन अपॉन सब्ट्रैक्शन थ्री मल्टीप्लाई फाइव अपॉन टू, फाइव अपॉन नाइन ब्रैकेट से पहले यदि माइनस मार्क होता अंदर के मार्क चेंज हो जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, एडिशन हो जाएगा, वन अपॉन थ्री हो जाएगा। अब चल लेते हैं बड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाई फाइव अपॉन टू, इनका एलसीएम लेते हैं, नाइन आ गया
नाइन के वन पर जाने वन, फाइव का फाइव माइनस थ्री, थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, थ्री और मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट टू, फाइव में से थ्री जाकर टू बचते हैं अपॉन नाइन बचता है, मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट टू, टू वन जा टू, तो सब्ट्रैक्शन फाइव अपॉन नाइन, दिस इज माई आंसर। ये हम क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। माइनस ट्वेल्व अपॉन सेवन और थर्टीन अपॉन फिफ्टीन के योगफल में उनके अंतर से गुना कीजिए। पहले इनका योगफल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, सेवन एडिशन थर्टीन अपॉन फाइव, इनका योगफल करेंगे दोस्तों, तो इनका योगफल थर्टी फाइव आ गया, इसका एलसीएम योग कर लिया, सेवन फाइव जो थर्टी फाइव, फाइव आया, फाइव की चलाएंगे तो सिक्सटी आ गया, फाइव सेवन जो थर्टी फाइव, सेवन मतलब थर्टीन की चलाएंगे नाइन्टी वन हो गया, इक्वल चल लेते हैं, वन में जीरो जाकर वन बचता है, नाइन में सिक्स जाकर थ्री बचता है, अपॉन थर्टी फाइव हुआ। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, इनके योगफल आया है दोस्तों, इसमें बताया गया है योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए, यह योगफल है हमारा। अब इनका गुणनफल कर लेते हैं, क्या है हमारा योगफल, अब इनका गुणनफल कर लेते हैं, ट्वेल्व सेवन मल्टीप्लाई थर्टीन अपॉन फाइव, तो चल लेते हैं दोस्तों, सेवन मतलब थर्टीन टू जै ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स सिक्स किर जाले टू, थर्टीन वन जै टू, थर्टीन और टू फिफ्टीन, सेवन फाइव जै थर्टी फाइव। अब ये इसका क्या होगा गुणनफल, अब इनके क्वेश्चन में क्या गया है योगफल में गुणनफल से भागे, क्या है दोस्तों गुणनफल। अब योगफल, योगफल क्या है थर्टी वन अपॉन थर्टी फाइव, योगफल में गुणनफल से डिवीजन करना है इस टाइप से, ये संख्या डाउन है ऊपर चली जाएगी, ये ऐसे कर सकते हैं आप, थर्टी वन अपॉन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई सबने थर्टी फाइव अपॉन वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स, इससे फिनिश हुआ वन आया। अब हम इससे काट सकते हैं दोस्तों, थर्टी वन अपॉन वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ चुका है। हम नेक्स्ट चल लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर, सत्य असत्य बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर में सत्य असत्य, वन अपॉन ए का गुणात्मक प्रतिलोम ए है, यदि ए इक्वल जीरो नहीं है तो वन अपॉन ए का जो गुणनफल है प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं वो ए ज्यादा है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए अपॉन वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए अपॉन वन। अब चल लेते हैं, ए वन जा ए, ए वन जा ए, वन आया, तो ए का मान क्या है दोस्तों वन आया, तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, ए का मान जीरो नहीं है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है या जीरो छोटा नहीं है, यानी कि कहीं एक जो है जीरो से छोटा है नहीं है, तो दोस्तों क्या हुआ फिर, ये सत्य हुआ, ये सत्य कह रहा है। सेकंड, ऋणात्मक परिमेय संख्या, कोई संख्या ऋणात्मक है वन अपॉन टू है, ये मान लेते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसका योगात्मक प्रतिलोम, इसका योगात्मक प्रतिलोम हम कर लेते हैं, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों भाई, वन अपॉन टू होगा इसका योगात्मक प्रतिलोम, कि कोई संख्या एक्स जोड़ेंगे जब इसमें तो इधर जाके एडिशन बन जाएगी, इसका ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसका योगात्मक प्रतिलोम ही होगा दोस्तों। उसमें कहा गया है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, इन्हें कहा प्लस की संख्या नहीं होती है, लेकिन वो गलत कह रहा, परिमेय संख्या जो है ऋणात्मक जो है योगात्मक प्रतिलोम प्लस की होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, यानी कि माइनस की नहीं होगी, वो कह रहा है प्लस की नहीं होती है, तो गलत कह रहा है, ये असत्य है दोस्तों। एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है, वन को जब हम शून्य से भाग देंगे तो क्या होगा, अनंत प्राप्त होगा, तो ये संभव नहीं है, जरूरी नहीं है, तो क्या है, ये भी सत्य कह रहा है दोस्तों। चौथा, शून्य किसी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, सत्य कह रहा है दोस्तों, शून्य किसी का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, मानो वन अपॉन तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम टू अपॉन वन हो जाएगा, सीधी बात है, तो इस टाइप से शून्य किसी का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, जुड़े रहें हमारी वीडियो से, थैंक यू सो मच।